जी नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। हाल ही में यूक्रेन ने क्या किया है, रशिया पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मज़ेदार गाइस ये है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब को छुपने की जगह नहीं मिली। सोचिए, यूक्रेन इतना रशिया के अंदर घुसकर अटैक कर रहा है और रशिया भी यूक्रेन को तबाह कर रहा है। दोनों में आपसी इतनी संघर्ष हो गया है, इतनी खूनी संघर्ष चल रहा है, जैसे कि लग रहा हो 1905 में जो लड़ाई हुई थी, है ना, रशियन क्रांति हुई थी, देन जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, फिर इटली में क्रांति हुई थी। ऐसा लग रहा है कि ये क्रांति दोबारा लौट आई हैं, जो सालों सालों तक चलने वाली हैं। उस समय भी कई सालों तक क्रांतियाँ चलती थी और आज भी एक दूसरे को मारने की होड़ यहाँ पर लगी हुई है कि मैं छोटा या मैं बड़ा, या मैं 19 हूँ कि वो 20 है, मैं शेर हूँ मैं सवा शेर हूँ, इस तरह का यहाँ कंपटीशन हो रहा है। और इस कंपटीशन में आम लोगों के हत्याएं हो रही हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं। आप सोचिए, क्या शांति बनाना हमारे यूएनए का काम नहीं है? क्या यूएनएस इस पर काम नहीं कर सकते? जितनी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इस पर फोकस नहीं कर सकते? शांति कायम रखना इतनी बड़ी चुनौती है क्या? हम आतंकवाद पे इतना पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इतना हम बातें करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं टेररिज्म पर, क्या टेररिज्म ख़त्म हो जाता है लेक्चर देने से? जब तक हम ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेगी हमारी देश की सरकारें, तब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। और आतंकवाद को बढ़ावा देने में बड़े से बड़े कंट्री का ही हाथ होता है, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनका पूरा सपोर्ट रहता है। आजकल परमाणु बम की ज़्यादा होड़ हो चुकी है, किसने कम बनाए, किसने ज़्यादा बनाए, किसके पास ज़्यादा हथियार हैं, इस चीज़ का ज़्यादा चलन चल रहा है। मतलब आने वाले समय में रशिया यूक्रेन इतना बड़ा वार बन जाएगा कि ये दोनों देशों के टकराव से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने के पूरे पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आजकल, आज ही 3-4 घंटे की पहले की बात है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक सर्वोच्च, एक बढ़िया सुप्रीम और एक पावरफुल कंट्री के पावरफुल राष्ट्रपति माने जाते हैं, वो तक उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए छुपे बंकर में या कहीं सेफ गार्ड में। सोचिए, इतने ताबड़तोड़ हमले, एक यूक्रेन, मतलब एक चींटी एक हाथी को मार रही है और वो हाथी कह रहा है, जो चींटी के सपोर्ट कर रहा है, मैं उनको कभी बख्शूंगा नहीं, उनको मैं नाश्ते बहुत ख़त्म कर दूंगा। और जितना भी सपोर्ट दे रहे हैं, हथियार, गोला बारूद सप्लाई हो रहा है यूक्रेन को, उन वेस्टर्न कल्चर और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के खिलाफ मैं लड़ूंगा। पहले मैं यूक्रेन की जो बारूद, गोला या हथियार खरीदे हैं उनको नष्ट करूंगा, एंड फाइनली मैं वेस्टर्न कल्चर और अमेरिका जैसे देश को मैं सबक सिखाऊंगा। ये व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट हैं, क्योंकि परमाणु बम की धमकी तो मिल चुकी थी, लेकिन कुछ देशों के फ़ोन जाने सर जान मतलब फ़ोन जाने पर व्लादिमीर पुतिन ने मतलब थोड़ा कोऑपरेट किया शांति वार्ता को लेकर, कि परमाणु बम की धमकी जो चल रही थी 99% होने वाली थी, लेकिन अब भी वो मतलब एक तरह से बार बार पिंच कर रहा है, कौन, यूक्रेन जो है, बार बार उसको टच कर रहा है, रशिया के प्रेसिडेंट को, मतलब उनके ऊपर ही हमला कर दिया। कई जगह ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं रशिया के अंदर, और रशिया भी यूक्रेन के अंदर ताबड़तोड़ हमले करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और हाल ही में कई सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है आज की डेट में, और ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कब सीज फायर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा, कोई भी देश गारंटी नहीं ले रहा। जर्मनी में तख्ता पलट हो गया है, पता आपको, जर्मनी में इलेक्शन होने का और होने के बाद नई सरकार बन गई है, है ना। जापान में ऑलरेडी पहले बन चुकी थी। क्या ये युद्ध मतलब रुकेगा या नहीं रुकेगा? 2014 से ही ये युद्ध जो है, जो पार्शली युद्ध था वो चलता आ रहा था, लेकिन फाइनली युद्ध शुरू हो गया 2022 से। अब कई दिन हो चुके हैं, 1000 डे हो चुके हैं, मतलब 2 साल से ज़्यादा हो गया है, 2.5 साल के समथिंग हो गया है, और रशिया यूक्रेन का वार आज भी नहीं थमा है, जिसमें कई सारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, छोटे मोटे देश इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनकी ताकत ख़त्म हो रही है, और ये दोनों आपस में इतना इतना मतलब गैप आ चुका है इनके रिलेशन में, कोई भी बीच में समझौता कराने जाता है, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए, बाद में, है ना, प्रधानमंत्री जाते हैं तो बीच में तो कोई वार्ता नहीं होती है, शांति वार्ता करके हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन बाद में जब वो वापस आ जाते हैं तो फिर ये ताबड़तोड़ हमले फिर शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी लीडर की कोई अहम भूमिका नहीं है, क्योंकि ये कोई भी किसी की बात नहीं मान रहे, कौन पीछे से हमला कर रहा है, कौन आगे से हमला कर रहा है, इसका एग्जैक्टली पोजिशन रशिया और यूक्रेन जानते हैं।
इन ये अपनी मन की बात आपस में सुलझा रहे हैं, तीसरे आदमी की कोई बात नहीं मान रहे, सजेशन देने वाले की कोई अहमियत नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है, मतलब कोई सजेशन दे रहा है तो क्यों? क्योंकि अमेरिका का रोल सबसे बड़ा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वो अभी हाल ही में यूक्रेन ने, जब उनके पास गोला बारूद हथियार ख़त्म हो गया, तो यूक्रेन ने अभी एक मैसेज दिया अमेरिका को कि मुझे मदद चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, सैन्य मदद चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करें। तो आप देखिए, खुलेआम मदद कर रहा है अमेरिका, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, दिख रहा है सबको कि संभव हो पा रहा है। यूक्रेन इसलिए आगे बढ़ रहा है युद्ध में, तक वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है, कौन? अमेरिका। इसलिए संभव हो पा रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है यूक्रेन। ना उसकी इतनी मजाल नहीं कि वो अमेरिका रूस पर ताबड़तोड़ हमले करे और अपनी मौत को दावत दे। समस्याएं बहुत गंभीर हैं, इस पर मैंने बाई मैप वीडियो भी बना रखा है, जो अपना देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ में प्लेलिस्ट में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूज़ की ये छोटी सी ब्रीफिंग थी। यूक्रेन रशिया बार अभी तक थमा नहीं है, और यूक्रेन ने अभी हाल ही में अमेरिका से आर्थिक मदद मांगी, सैन्य मदद भी मांगी है, जिस पर अमेरिका ने हाँ भर दिया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप ताबड़तोड़ हमले कीजिए, हम आपके साथ हैं। यूएनओ मेंबर है अमेरिका, फिर भी इस तरह की हरकतें अमेरिका कर रहा है, क्या ये मतलब ठीक है या गलत है वो आप सब जानते हैं। यूएनओ पावर इसे छीन लेनी चाहिए, यूएनएससी पावर इसे छीन लेनी चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये मेंबर है वहाँ से इसको हटा देना चाहिए, है ना? क्योंकि शांति वार्ता सीज़ फायर करने का मतलब करने का राइट बनता है अमेरिका का, लेकिन ये आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है, है ना? आवाम मारी जा रही है, छोटे मोटे बच्चे दम तोड़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन, उनका इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, हालत टस से मस होते जा रहे हैं, मल न्यूट्रिशन जगह जगह फैल रहा है, छोटे मोटे देश अफेक्ट हो रहे हैं इस वार में। ये वार एक तरह से इतनी बड़ी वार बन गई है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने के पूरे पूरे चांस यहाँ पर दिख रहे हैं। लोग कहते हैं छिड़ जाए बढ़िया है, अगर छिड़ भी गया तो धरती भी सर्वनाश हो जाएगी, याद रखना, क्योंकि रशिया के पास सबसे ज़्यादा एटम बम है, 6000 के समथिंग एटम बम है, हमारे इंडिया के पास तो 172 एटम बम है। अगर ये ताबड़तोड़ हमले हो गए, लगभग 5000 एटम बम की धमकी भी दी गई थी उससे पहले, जब यूक्रेन ने घुस कर अंदर उनका ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया था रशिया का, तो रशिया को गुस्सा भी आ गया था, वो बटन दबाने ही वाला था, लेकिन कुछ देशों के फ़ोन जाने से, कुछ कॉन्फ्रेंस में मीटिंग्स में बात करने पर थोड़ा रिलैक्स मिला उनको, थोड़ा उनको हमदर्दी फील मतलब कराई थी कई देशों ने, तब जाके वो रुके। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने आज भी ताबड़तोड़ हमले किए, और व्लादिमीर पुतिन को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था, आज वो इतने टेंशन में है कि यूक्रेन पर मुझे नहीं लगता कि अब वो क्या फैसला लेंगे, क्या वो हुकूमत से बोलेंगे परमाणु बम जारी करने की मतलब आदेश दे देंगे, या फिर कुछ और होगा, इस पर पूरा संशय है। जब आगे कोई बात होगी मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूंगा। अब तक के यही बात थी। नमस्कार, जय हिंद।